classes, that is GK for the standard 4. And today we will read GK book Opinodu, chapter 1, introduce in yourself. Look at this, chapter 1 में है, अपने आप को हमें introduce कराना है, so name में लिखना है अपना name, age आप कितने years के हैं, and class आपकी 4th class है ना, 4th A या B जो भी हो, स्कूल का नेम, हाउस एड्रेस जहाँ आपका घर है उसका एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर, एंड पेस्ट योर फोटोग्राफ, और यहाँ पर अपनी फोटो पेस्ट करनी है, एंड टर्न योर पेज चैप्टर 2 ह्यूमन बॉडी. सो इन दिस चैप्टर रीड अबाउट द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इंक्लूड्स जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि मानव शरीर है उसका जो अध्ययन है इसमें क्या क्या इंक्लूड है इसमें हम सीखेंगे. सो नंबर 1 है साइकोलॉजी, हाउ द बॉडी फंक्शन. इसमें साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि बॉडी फंक्शन कैसे वर्क करते हैं. एंड नंबर 2 है एनाटॉमी, इसमें हाउ द बॉडी इज स्ट्रक्चर्ड और इसमें हम देखते हैं पढ़ते हैं कि इस बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है. द ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ यूनिक सेल. जो ह्यूमन बॉडी है ये यूनिक सेल से बनी हुई है, मतलब अनोखी कोशिकाओं से बनी है जो साथ साथ वर्क करते हैं. एंड जो लिविंग थिंग्स होते हैं जो भी जीवित होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक होता है कि उनके फंक्शन जो है वो कैसे विस्तृत होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन अवर बॉडी देयर आर वेरियस सिस्टम, हमारी बॉडी में अनेक ऐसे सिस्टम है, कई सिस्टम है विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन. जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंपॉर्टेंट कार्य है वो परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं इन कोऑर्डिनेशन किसी के निर्देश पर. जब कोई निर्देश देता है जैसे दिमाग निर्देश दे रहा है कि मुझे ये चीज़ उठानी है तो हैंड वर्क करेगा, है ना. तो वैसे ही जो सेल्स होते हैं, लुक एट दिस, ये सर्कल दिया गया है, सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज, इस तरह से बॉडी बनती है. पहले सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाया है जो पाचन तंत्र होता है यहाँ पे ये एंड ऑर्गेनाइज, और इस तरह से जीवाश्म बना है. एंड फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो फैक्ट है वो इस चैप्टर में इस पेज में है, लुक एट पेज नंबर 7. सो जब इस तरह से ह्यूमन बॉडी बन जाती है तो वो क्या क्या वो करते हैं, सुनना, हियरिंग हियरिंग एंड ईटिंग, कोई चीज़ खाना एंड इस तरह से एक्सरसाइज करना, कोई भी परफॉर्म करना. इस तरह से योर सेंस ऑफ स्मेल इज अराउंड 10,000 टाइम मोर सेंसिटिव देन योर सेंस ऑफ टेस्ट. जो सेंस ऑफ टेस्ट का जो सेंस होता है उससे ज़्यादा स्मेल की टाइमिंग होती है 10,000. एंड द ह्यूमन बॉडी हैज इनफ आयरन टू मेक 3 inches लॉन्ग नेल. और जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जब इनफ आयरन पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है तो ये 3 inch तक नेल इसके बढ़ सकते हैं, लंबे हो सकते हैं. जो हमारे हाथों में नेल्स होते हैं जिन्हें हम काटते रहते हैं, अगर आयरन अच्छी आपकी बॉडी में सफिशियंट अमाउंट में क्वांटिटी में अगर आयरन है तो नेल्स अच्छे ग्रोथ करेंगे. एंड द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स, आपके फिंगर्स के जो टिप्स हैं वो इनफ स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द वेट ऑफ योर होल बॉडी, आपकी बॉडी को पूरी तरह से मेंटेन कर सकते हैं. लुक एट दिस, ये देखो अपनी बॉडी को हाथों पे पूरी वेट उसका रखता है. एंड द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज नो ब्लड सप्लाई इज द कॉर्निया इज इन द आई. आंखों में जो ये कॉर्निया होती है ये एक ऐसा मत पार्ट है जो कि ब्लड सप्लाई नहीं करता है. इट टेक्स इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तो लेते हैं ये डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ये डायरेक्टली आंखों से ऑक्सीजन लेता है, ये ब्लड सप्लाई नहीं करता. ओके, आगे का मैं आपको कवरेज कराऊंगी एंड आज की